बताइए ड्रेस हम लोग का जो साड़ी मिला तो उस पर पेटीकोट नहीं है, उसमें ब्लाउज नहीं है, बरसात का टाइम है उसमें छत्ता नहीं है। आंदोलन है ये राज्य व्यापी आंदोलन है और इस आंदोलन में हम लोग बृहत रूप से भाग लेंगे ताकि सरकार हम लोगों को 2000 से काम करा रही है लेकिन हम लोगों को मानदेय के रूप में अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं देती है कुछ। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जापुर विद्यापति प्रखंड के प्रांगण में। तमाम जो आशा फैसिलिटेटर हैं और आशा कार्यकर्ता के द्वारा अनिश्चितकालीन जो बैठक है किन मांगों को लेकर है वो तमाम जानकारी हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। हम लोग के बदौलत PAC चल रहा है, अगर आशा कार्यकर्ता जो नहीं PAC में पेशेंट लाएगी तो PAC में कुत्ता भौंकेगा। कोई चीज का हम लोग का व्यवस्था नहीं है यहाँ, न रहने का, न बैठने का, न उठने का, और डिलीवरी लेकर आते उस पर भी गदरी, वो सब भयंकर गदरी। बताइए ड्रेस हम लोग का जो साड़ी मिला तो उस पर पेटीकोट नहीं है, उसमें ब्लाउज नहीं है, बरसात का टाइम है उसमें छत्ता नहीं है, गोर में चप्पल जूता नहीं है, ठंडा का मौसम में सबके लिए है कंबल, हम लोग का लिए कुछ नहीं है। हमसे जो नीचा पोस्ट वाली है उसको लिए कुर्सी है, हम लोग रोड पर धन मना रहे हैं, यही होना चाहिए सरकार को। आए हम उनको इज्जत नहीं है। आज की क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? आज की सरकार से हमारी 9 सूत्री मांग है बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के ओर से। जो सबसे पहला मांग है मेरा कि 2019 के हड़ताल में सरकार द्वारा हम लोगों को 1000 रुपया मानदेय देने की बात हुई थी, उसे पारितोषित किया गया, उस पारितोषित को सरकारी संकल्प में उसे 10000 मानदेय किया जाए, आशा को सरकारी सेवक घोषित किया जाए, आशा फैसिलिटेटर को 20 दिन के बदले 30 दिन का काम किया जाए और उस काम के बदले 300 रुपया के जगह। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली और बड़ी कंपनी से जुड़कर कमाए लाखों रुपया का महीना LIC एडवाइजर के लिए निकली निबदा। कॉन्टेक्ट 9135366252। ज्वाइन नाउ। ताजपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, मुश्रीघरी, दलसिंह सराय, सरंजन, पूसा व अन्य जगहों पर रहकर लाखों रुपया महीना कमाएं। जी हाँ, LIC की है साथ तो फिक्र की क्या है बात। डेवलपमेंट ऑफिसर रविकांत कुमार। जगह पर महंगाई को देखते हुए 500 रुपया यात्रा भत्ता दिया जाए तथा आशा को जनवरी 2019 के अप्रैल से लेकर के 2020 के सेशन में 1000 रुपया प्रति माह के दर से अप्रैल से नवंबर तक का जो बकाया राशि है वो सरकार हमारी भुगतान करे। कोरोना काल में 10 महीना जो आशा कार्यकर्ता कार्य की उसकी एवज में 1000 रुपया राशि देने की बात कही गई थी, उस राशि का भी भुगतान किया जाए। इससे पहले आप मांग उच्चाधिकारी से किए हैं? जी, इससे पहले हम लोग श्रेणीबद्ध 3 प्रदर्शन कर चुके हैं। पहला प्रदर्शन मेरा था 22 जून को प्रभारी के समक्ष, फिर 26 जून को सिविल सर्जन सर के समक्ष था, उसके बाद 5 तारीख को ट्रेड यूनियन की तरफ से, 4 तारीख को सामूहिक रूप से हम लोगों का आशा का मांग पत्र जो था वो सरकार के समक्ष समर्पित किए हैं सिविल सर्जन के माध्यम से। और उसके बाद हम लोग कहें कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग मांग के लिए डटे रहेंगे और 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे सभी आशा बहन जाएगी। मेरा नाम सुनीता प्रसाद है, मैं समस्तीपुर जिला की जिला मंत्री सह राज्य कमेटी की संयुक्त मंत्री हूँ। तो आज कितने लोग आपके साथ धरना में बैठे हैं? आज तो अभी विद्यापति नगर में लगभग 100 बहन धरना पे बैठी है, इसी तरह हर एक ब्लॉक में हमारी कहीं 100, 150 सब बहन बैठी हुई है। तो आज से आपका राज्यव्यापी आंदोलन है? ये राज्यव्यापी आंदोलन है और इस आंदोलन में हम लोग बृहत रूप से भाग लेंगे ताकि सरकार हम लोगों को 2000 से काम करा रही है लेकिन हम लोगों को मानदेय के रूप में अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं देती है, कुछ टिप्स के रूप में देती है। क्या ये अनिश्चितकालीन धरना है आपको? जी, ये अनिश्चितकालीन धरना है। अच्छा, और ऐसे भी हमारी आशा बहन या आशा फैसिलिटेटर रिटायर करेंगी तो उनको एक भी पैसा देकर रिटायर नहीं किया जाता है,
तो हम लोगों का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा योजना या पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। जब तक सामाजिक सुरक्षा या पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तब तक जो भी बहन 60 बरस करके रिटायर कर रही है, उनको 10 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाए। अभी तक आपने जितना प्रदर्शन धरना किया, तो आधिकारिक रूप से आपको आश्वासन कुछ मिला है कि नहीं? अभी तक तो कुछ आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम लोग अनिश्चित कर रहे हैं।